हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 56,342 हुई, अब तक 1,886 की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण ने कहर भर पा रखा है। अब तक 38 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 2,67,087 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना से 56,342 लोग संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में 10,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले 6 मई को 2,680, 5 मई को 3,875 मामले मिले थे। 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में कोरोना से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। 4 राज्यों में ही अकेले 1,300 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जो कुल मौतों का 78% के करीब है। सरकार ने बताया कि झारखंड समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। देश में अभी 130 रेड जोन जिले, 284 ऑरेंज जोन तथा 219 ग्रीन जोन वाले जिले हैं। अगले सप्ताह इन जिलों की समीक्षा के बाद नए सिरे से 3 श्रेणियों की सूची बनेगी। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या शुक्रवार सुबह 56,000 को पार कर गई। अब तक देश में 56,342 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 1,886 लोगों की मौत हुई है। जागरूक टीवी के कोरोना अपडेट पर खास रिपोर्ट।